हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका आज एक बार पुनः स्वागत है। हम बेसिक मैथ पार्ट थर्ड का आज अध्ययन करेंगे। कल हम लोग स्थानीय मान को अबेकस की सहायता से समझने का प्रयास किए थे। आज संख्याओं पर योग एवं घटाव की संक्रियाएं मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ स्पाइक अबेकस अर्थात गिनतारा की मदद से जोड़ योग और घटाव की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि संख्याओं को जोड़ते समय हम किस प्रकार से एक अबेकस का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम आपको अपना हैंडमेड एक साधारण सा बनाया हुआ अबेकस दिखा रहे हैं, जिससे आप लोग इसको मूर्त रूप में देख लें। ध्यान दें बच्चों, इस पर हमने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वन टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड्स। इसमें हमने कुछ गोटियों को डाला है। ये इकाई की गोटियां हैं अलग कलर में, दहाई की अलग, सैकड़ा की अलग और हजार की अलग कलर में हैं। और आप वही चीज यहां देख रहे हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी उसी को बनाया है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम योग में इस अबेकस का प्रयोग करेंगे, गिनतारा की मदद से हम कैसे इसके प्रयोग से योग की क्रिया करते हैं। इसे जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये इकाई के स्थान पर जो गोटियां हैं, अगर ये 10 हो जाए, ये आपके इकाई वाली गोटियां 10 हो जाए, तो उन 10 गोटियों को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक दहाई की ले लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये एक दहाई जो है इस 10 इकाई के बराबर है, मतलब ये 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई होती है। उसी प्रकार से हम अगर दहाई की 10 गोटियों को ले लें और उसके बदले में ये वाली एक गोटी दे दें और इन 10 गोटियों को के बदले में ये हजार वाली एक गोटी होगी, क्योंकि हमेशा इसका 10 गुना होता चला जाता है। मतलब एक इकाई में 10 दहाई और 10 दहाइयां मिलकर एक सैकड़ा और 10 सैकड़े मिलकर 1000 यानी थाउजेंड्स हजार होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से योग की संक्रिया को हम करेंगे। जैसे हम एक साधारण सा योग करना चाह रहे हैं, 34 प्लस 13। अब हम अबेकस में देखेंगे ये इकाई है, ये भी इकाई है, तो इकाई में हम किन गोटियों को डालेंगे? इनको 1, 2, 3, 4। 4 में कितना जोड़ना है? 3। इकाई है और ये दहाई है,
चार में कितना जोड़ना है? चार में तीन जोड़ना है। तो हमने चार गुटियां लिया इकाई के स्थान पर, और फिर तीन गुटियां लेंगे जिन्हें हम इकाई में मिला देंगे। बच्चों देखें, चार हमने पहले लिया, फिर तीन मिला दिया, कितने हुए? एक दो तीन चार पांच छह सात। अब हम क्या करेंगे, यहां सात लिख देंगे, फिर ये क्रिया समाप्त हो गई। अब हम आ जाएंगे दहाई के स्थान पर। दहाई में हम देखते हैं कि तीन है, तो पहले इसमें हम तीन गुटियां डालेंगे। तीन में कितना जोड़ना है? एक। हम एक गुटी इसमें और मिलाएंगे। आप समझते हैं बच्चों, जोड़ को, एडिशन को, योग को मिलाना भी कहते हैं। देखें, पहले हमने लिया तीन, फिर इसमें एक मिला दिया, अब गिन लेंगे एक दो तीन चार। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से, तो 34 में 13 को मिलाने पर, जोड़ने पर, ऐड करने पर कितना आया? 47। 47 में 7 इकाई है और 4 दहाई है। यहां भी हम देखते हैं ये इकाई के नीचे जो इकाई लिखा है, इकाई वाले लाइन में इसको जोड़ेंगे, दहाई वाले को दहाई की लाइन में जोड़ेंगे। अब हम एक कदम आगे बढ़कर देखते हैं कि ये योग जो था बिना हासिल का था, अब हम हासिल वाला योग देखेंगे। हासिल मीन्स कैरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरी। तो छोटा सा हम योग की क्रिया करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें आता है 55 + 46। अब देखते हम पांच गुटी लेंगे के जोड़ को, पढ़ेंगे जैसे 55 + 46, ये इकाई और ये दहाई। अब हम इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये इकाई ये गुटियां हैं, तो पांच गुटी में हम छह गुटी मिलाएंगे। जब पांच गुटी में छह गुटी मिलाएंगे तो कितनी गुटियां होंगी? ये पांच गुटियां हैं, इसमें हम छह गुटी मिलाएंगे, कितनी गुटियां होंगी बच्चों? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और एक 11। अभी आपको हमने बताया कि जब ये 10 गुटियां होंगी तो इसके बदले में इस कलर की गुटी को हम ले लेंगे, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर, मतलब हमको इस ये एक गुटी प्राप्त हो गई इस 10 के बदले में। तो 11 जब हुआ तो 10 के बदले में यह एक यहां चली आएगी दहाई के स्थान पर, और यह एक बच जाएगी। यह जो एक बचेगी यह इकाई के है, इसलिए इकाई के नीचे हम क्या लिखेंगे? एक। और यह दहाई इसके बदले में, इस 10 इकाई वाली गुटियों के बदले में एक दहाई वाली गुटी बन सकती है, इसलिए हम इसको इस दहाई के साथ जोड़ देंगे। तो देखें, पांच में चार गुटी मिलाएं, कौन पांच? ये पांच। ये कलर आप देखें, ये आपकी पांच गुटियां दहाई वाली
फिर उसमें आती है चार गुटियां दहाई वाली, हम इसको मिला दिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ये नौ गोटियां हुई और यहां से ये गोटी मिली है तो बच्चों कितनी हुई, दस। तो हमें जो दस मिला है ये शून्य जो है, ये शून्य जो है दहाई के स्थान, दहाई के स्थान पर आएगा, शून्य दहाई के स्थान पर आएगा और ये एक सैकड़ा के स्थान पर आएगा और सैकड़े के लिए हमने ये सिंबल लिया। और इकाई वाला सिंबल ये, तो छह में पांच में छह जोड़ा, ग्यारह गोटियां हुई, ग्यारह में से दस गोटियों के बदले में एक ये दहाई की गोटी आ गई और जब दहाई में फिर दहाई को जोड़े तो नौ हुआ और यहां से एक दहाई वाली फिर दस हुआ। फिर हम देखते हैं कि यहां दो अंक प्राप्त हुए, ये आपका दहाई का स्थान लिया और ये हो गया सैकड़े का स्थान जिसको हम यहां से करें। तो बच्चों इस प्रकार से हासिल कैसे लिया जाए, इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम इसको एक प्रयोग की तरह से देख लिए कि कैसे हासिल आता है। कभी कभी बच्चों से पूछा जाए हासिल क्यों, कहां से आता है, नहीं पता। अब आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से हासिल आता है। जैसे अगर आपके पास एक रुपए के दस नोट हो और आपके भाई के पास दस का एक नोट हो तो क्या होगा, आप चाहें तो बदल लें, आपका भाई उसको आसान तरीके से रखने के लिए कदर भैया मुझे एक दे दो और मेरे पास दस ले लो, तो दोनों एक, मतलब दस इकाइयां मिलकर एक दहाई के बराबर। इसी प्रकार से अगर दस के दस नोट, दस रुपए के दस नोट हैं तो हम उसको किसने से बदल सकते हैं, सैकड़े की एक नोट से। सैकड़े की अगर दस नोट हैं तो हम किसी से विनिमय करेंगे, बदलेंगे तो हजार की एक नोट लेंगे। इसी आधार पर ये हासिल या जिसको कैरी कहते हैं अपने लेफ्ट इसमें जुड़ता चला जाता है इकाई, फिर इसमें ये क्योंकि ये इसका इस ये इसका दस गुना है, फिर ये इसका दस गुना है, फिर ये इसका दस गुना है, इस प्रकार से हमें हासिल प्राप्त होता है। तो बच्चों इसी प्रकार से हम घटाव की भी क्रिया करते हैं। घटाव की क्रिया में क्या होगा आप देखें, हम लिखे 36 माइनस 13, 36 माइनस यानी घटाओ, 36 में से कितना घटा 13। अब हम देखेंगे कि ये जो छह गोटियां हैं इसमें से तीन गोटी निकाल लेंगे तो कितनी गोटियां बचेगी, छह गोटी हमारे पास हो उसमें तीन निकाल लिया जाए तो फिर तीन आ जाएगी और तीन गोटियों में से एक गोटी निकाल लें तो कितना आएगा, दो। इसको समझने के लिए ऐसे हम समझते हैं, ये हम इकाई की संख्या को लेते हैं, देखते हैं इकाई में कितना हुआ, छह। तो इसमें हम छह गोटियां लेते हैं और देखते हैं कैसे घटाओ की क्रिया इस अबैकस की सहायता से होती है। छह गोटियां लिया, छह में से कितना निकालना है, तीन। छह में से कितना निकालना है, तीन। हमने तीन गोटियों को निकाल लिया, कितनी गोटियां बची, तीन। अब आएंगे दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर हम देखते हैं कि कुल कितनी गोटियां हैं, तीन। दहाई के स्थान पर
कुल तीन गोटियां हैं और उसमें से कितना निकालना है, एक। हमने एक निकाल लिया तो कितना बचा, दो। अब आप इसको देखें, बिल्कुल इस योग की क्रिया को अबेकस पर दिखा सकते हैं, अपनी कॉपी पर आप ऐसे बना करके योग और घटाव की क्रियाओं को इस रूप में दिखा सकते हैं। ये न करके इसके सामने, ये क्रिया हम न करके इसके सामने ये अबेकस गिनतारा बना दें, यहां पर इस गिनतारे पर एक गोटियों को अगर दिखा दें तो इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये इकाई है, ये दहाई है। तो अब आप देखें, छह में से तीन निकला तो तीन, और इस तीन में से एक निकला दो, तो आपका ये आंसर। बच्चों आप देखें, संख्याओं के योग को गिनतारा पर दिखाना, अब एकस पर कैसे दिखाएंगे। देखें, हमने संख्या लिया है 2789 और उसमें जोड़ रहे हैं 1767। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। देखिए, 9 में 7 जोड़ा तो 9 गोटियों में, इकाई की 9 गोटियों में जब आप 7 गोटियां जोड़ेंगे तो कितनी गोटियां होंगी, 16। तो ये 16 जो होंगी गोटियां, इसमें से 6 को यहां लिखेंगे इकाई पर, और जो 10 गोटी के बदले में ये गोटी यहां चली जाएगी। अब हम इसको जोड़ेंगे 8 में 6 गोटियां जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 में 6 गोटियां जोड़ेंगे तो कुल 14 गोटियां होंगी। 14 में से 4 गोटियां तो यहीं रह जाएंगी, और 4 गोटियां यहां रहेंगी और एक गोटी यहां जाएगी, और एक गोटी पहले से जो इसमें आई है तो इसको क्या कहेंगे, 8, और यहां से आया हुआ 9, और 9 में 6 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 15। तो 15 से फिर 5 को लिखेंगे यहां, इस 15 से 5 को लिखेंगे यहां, मतलब 5 गोटी दहाई में रहेगी और 10 के बदले एक गोटी सैकड़े पर चली जाएगी। फिर सैकड़े में क्या हो गया, 7, और 7 के बाद एक गोटी जो यहां से आई है 8, 8 में 7 जोड़ दिया तो हो गया 15। अब 15 गोटियां फिर पुनः प्राप्त हुई तो 5 गोटियां यहां होंगी अपने सैकड़े के स्थान पर, और इन 10 गोटियों के बदले में एक गोटी 1000 के स्थान पर चली जाएगी। तो 2 गोटी ये, 2 3, 3 एक 4। अब हम देखते हैं हमारा आंसर आया 4556। लेकिन आपसे हमने बोला है कि ये योग की क्रिया यहां इसको नहीं दिखाना है, आपको कहां दिखाना है, इस पर दिखाना है, अबेकस पर दिखाना है, गिनतारे पर दिखाना है। तो अब आपका ये आंसर क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर ये होगा। अब आप इसके सामने इस फिगर को पेंसिल और स्केल की मदद से सुंदर सुंदर अपने कॉपी पर बनाएंगे और इस गिनतारे के प्रयोग को करेंगे। इसी प्रकार हम घटाव की भी क्रिया गिनतारा के माध्यम से करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं इसी सवाल में आपको, इसी प्रश्न में नेक्स्ट कर दे रहा हूं माइनस। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से घटाने के बाद यहां आपको नंबर प्राप्त होंगे, 9 में से 7 2। तो अब आपको कैसे दिखाएंगे, इस पर 2, 8 में से 6 यहां दहाई वाले पर 2, इकाई वाले पर भी 2 आ गया, सैकड़े में 7 में से 7, आपका जो सैकड़ा का स्थान है आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं करेंगे। अब फिर आएंगे 1000 वाले स्थान पर, तो 1000 वाले स्थान पर हम 2 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 1। देखें इस घटाव का इस गिनतारा के माध्यम से इस प्रकार दिखाया जा सकता है। तो बच्चों हम एक और छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो घटाव में हम
उधार लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 31 है और 31 में से 18 को घटाना है, तो आपको पता है कि एक में से 8 नहीं जाएगा, मतलब इतनी इसके पास इकाइयां नहीं है कि वो दे, मतलब ये मांग रहा है इससे। सपोज करें कि ये किसी के पास इस तरह से एक है और एक में से 8 मांगेगा तो कैसे देगा, तो वो बगल वाले से या बगल वाली संख्या से या बगल वाले व्यक्ति से उधार मांगता है। और इस उधार का वैल्यू हम यहां से देखेंगे कि ये इकाई है, ये दहाई है। जब एक गोटी दहाई को इकाई पर करेंगे तो इकाई कितनी गोटियां होगी, 10। जब इकाई की 10 गोटियां होंगी तो अब यहां पहले से एक है और ये 10 गोटियां मिलकर के इकाई की कितनी गोटियां हुई, 11। 11 में से 8 गोटी को निकाल देंगे कितनी आएगी, 3। आप इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे इकाई वाले पर। हमने एक गोटी यहां से हटा दिया, इसको दे दिया था, कितनी गोटी बची, 2। 2 में से 1 निकाल दिया, कितनी गोटी बची, 1। तो अब दहाई वाले पर 1 बच रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि योग और घटाव की क्रिया को किस प्रकार से हम हिंतारा पर, अबेकस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगा जिसको आप होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी पर करेंगे, अभ्यास करेंगे। जितना मैं दूंगा उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जितना दिया जा रहा है उसको अवश्य करेंगे। देख लें, क्वेश्चन नोट कर लें अपने नोटबुक में। नोट कर लें बच्चों, आपको आंसर इसके जो देने हैं कैसे देने हैं, गिन तारा पर संख्याओं के योग को आप निम्नलिखित संख्याओं के योग को, ये प्रश्न के रूप में मैं दे रहा हूं, निम्नलिखित ये क्वेश्चन आपके हैं होमवर्क में, निम्नलिखित संख्याओं को योग की, निम्नलिखित संख्याओं के योग को गिनतारा पर या अबेकस पर दिखाएं, गिनतारा पर दिखाएं। तो आप इन योग को गिनतारा पर दिखाएंगे, 1, 2, 3। और चौथा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं घटाव का, आप देखें इसको करेंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन भी घटाव का होगा। देख लें, एक और क्वेश्चन घटाव का लिख लें। तो बच्चों आज का जो हमारा अध्ययन था किस पर था, संख्याओं पर योग एवं घटाव की संक्रियाएं, और किस पर, अबेकस की सहायता से, गिनतारा की सहायता से। तो इस प्रकार से हमने सीखा और होमवर्क के रूप में आपको काम मिला। अब आप इसको अपने नोटबुक पर हल करेंगे। और अंत में मैं कहूंगा कि इस मेरे वीडियो, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अन्य बच्चे जो जरूरतमंद बच्चे हैं सभी लोगों के पास पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा, इससे लाभान्वित होंगे, इस इजी तरीके को सीखेंगे बच्चे, आनंद के साथ गणित सीखेंगे। धन्यवाद।